तमाम हमारे नौजवान साथी जिनके कारण आज इस लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, और साथ ही साथ चूंकि युवा मोर्चा का कार्यक्रम बेशक है लेकिन हमारे बहुत सारे अभिभावक भी आए हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए, और हमारे एक अभिभावक हमारे बिल्कुल अभिभावक तुल्य है, वो तो हाथ उनका टूटा है फिर भी आशीर्वाद देने आए हैं, यही हमारी जीत है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में जितने मीडिया हाउस के लोग आए हैं, प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, डिजिटल मीडिया तथा अन्य जो भी मीडिया के स्रोत हैं, आप सभी का आभार, अभिनंदन, जोहार। जैसा कि देख पा रहे हैं कि गोविंदपुर के थाना प्रभारी, उनके भी दल बल के साथ कार्यपालिका के लोग भी आए इस कार्यक्रम को निगरानी देने के लिए, इस कार्यक्रम को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, तो मैं गोविंदपुर के थाना प्रभारी समेत तमाम उनके सुरक्षाकर्मी, पुलिस कर्मियों का भी धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और मैं सबसे अंत में आभार प्रकट करूंगा हमारे युवा मोर्चा के आज के केंद्र सम्मेलन में अगुवाई करने वाले हमारे केंद्र युवा मोर्चा के अध्यक्ष माननीय श्रीमान कुश महतो जी, उनके तमाम टीम, जिला अध्यक्ष माननीय मिठू महतोदा हमारे बीच बैठे हैं, महासचिव सनी तिग्गा भाई जो गुमला से चल के आए हैं हमारे बीच बैठे हैं, संथाल परगना की धरती से आए हुए प्रधान सचिव अकबर अंसारी जी हमारे बीच, कोल्हान से भी हमारे विष्णु विद्रोही आए हैं, संदीप साहब आए हैं, रामगढ़ से पनेसर जी आए हैं, आकाश बीरू आए हैं, हमन साहब जी आए हैं, अभिजीत महतो आए हैं, और तमाम हमारे बीच बसुरिया से हमारे भाई तिवारी जी भी आए हैं। तो चूंकि ये युवा मोर्चा का सम्मेलन है और हमारे साथी जितने भी केंद्र टीम के भी पदाधिकारी आए हैं, इंक्लूडिंग हमारे बड़े उपाध्यक्ष महोदय, तमाम पदाधिकारी महोदय, आज चूंकि युवा मोर्चा का सम्मेलन है तो हालांकि हमारे बड़े उपाध्यक्ष महोदय ने काफी गंभीर विषयों को रखा और बड़े अंदाज के साथ रखा, तो हम भी प्रयास करते हैं, हालांकि हम लोग थोड़ा सा उतना अच्छा बोलने जानते नहीं है, सीख रहे हैं, बड़े उपाध्यक्ष महोदय को आज बहुत बेहतरीन सुना, बड़ा अच्छा, सुबह से बजट को पढ़ रहे थे, बड़ा सुंदर उन्होंने प्रस्तुति किया, और हम आशा करते हैं कि जब युवाओं की सरकार बनी तो आप भी कभी हिस्सा बने उस बजट को प्रस्तुत करने में। कि जीत पक्की है कुछ करना है तो डटकर चल, जीत पक्की है कुछ करना है तो डटकर चल, जमाने से जरा हटकर चल, अरे लीग पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास बदल कर चल, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, और जब तक ना मिले मंजिल राहों में राही आराम कैसा। सोच मत साकार कर अपने कर्मों से तू प्यार कर, सोच मत साकार कर अपने कर्मों से तू प्यार कर, मिलेगी मंजिल तेरी ना किसी का इंतजार। अर्जुन सा निशाना रख मन में ना कोई बहाना रख, अर्जुन सा निशाना रख मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है बस तू उसी पे अपना ठिकाना। जो चले थे अकेले, जो चले थे अकेले, आज उनके पीछे मेले हैं, मेला विनोद बाबू के नाम से लगता है, मेला बिरसा भगवान के नाम से लगता है, मेला शेख भिखारी के नाम से लगता है, मेला भगत सिंह के नाम से लगता है, कि जो चले थे अकेले आज उनके पीछे मेले हैं, और जो रह गए इंतजार करते करते उनके जीवन में आज भी झमेले। ये युवा मोर्चा का सम्मेलन है, महासम्मेलन है, युवा, ये युवा को उसके शब्द में छुपा है, युवा को, युवा दोस्त अक्षरों से बना हुआ एक शब्द, य में हर्षो व में आकार युवा, उस शब्द को हम पलट देते हैं तो वह बन जाता है व में आकार, य में हर्षो वायु, यही युवा का परिचय है। युवा का परिचय आपको अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको आकाश पाताल एक करने की आवश्यकता नहीं है, आपको नदियों को छानने की आवश्यकता नहीं है, युवा का परिचय उसके शब्द में है, बस उसको पलट दीजिए, युवा को पलट नहीं बनता है वायु, वायु का मतलब होता है हवा, हम बिना भोजन किए शायद 10 दिन 15 दिन जिंदा रह सकते हैं, हम बिना पानी पिए शायद 1 दिन 2 दिन 3 दिन जिंदा रह सकते हैं, हम बिना सांस लिए 1 सेकंड भी जिंदा रह सकते हैं, यही परिचय है युवा का। लेकिन आज युवाओं को ताकत को समझना होगा, युवा यानी उत्साह, युवा यानी ऊर्जा,
युवा यानी उम्मीद, युवा यानी साहस। लेकिन बशर्ते वो पॉजिटिव हो। अगर युवा पॉजिटिव हो तो युवा यानी उत्साह, लेकिन अगर युवा नेगेटिव हो तो युवा यानी अनर्थ भी होता है। अगर युवा पॉजिटिव हो तो युवा यानी उत्साही, लेकिन अगर युवा नेगेटिव हो तो युवा माने उन्मादी भी होता है। इसलिए हमें युवा का एक आदर्श चित्रण को प्रस्तुत करना। युवा यानी आदर्श, युवा यानी विचार, युवा यानी संस्कार, युवा यानी विचार, युवा यानी संस्कार, यानी स्वामी विवेकानंद। जब स्वामी विवेकानंद का चित्र हमारे मस्तिष्क में आता है तो शिकागो धर्म सम्मेलन का वो वक्तव्य याद आता है उनका, जब एक विदेशी महिला उनके भाषण को सुनने के बाद उन पर मोहित हो गई। वो महिला उनके पास गई और कहा कि हे संत, आप हमसे विवाह कर लें, आपको आपसे हमें प्रेम हो गया है, आपसे अगर हम विवाह करेंगे तो हमारी अभिलाषा है कि मेरा पुत्र जो होगा आपके जैसा होगा। विवेकानंद जी का उत्तर क्या था मालूम है? यहाँ विवेकानंद जी का उत्तर था, हे देवी, आपका सम्मान करते हैं, पर यदि आप चाहते हैं कि आपको मेरे जैसा पुत्र मिले, एक काम कीजिए, आप मुझे ही अपना पुत्र स्वीकार कर लीजिए, ना मेरे धर्म चरित्र का व्रत टूटेगा और ना आपकी अभिलाषा टूटेगी। मेरा ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, आजीवन कुंवारा रहना है, पर आप अभिलाषा लेकर आए हैं मेरे से पुत्र प्राप्ति की, तो उसके लिए पति बनाने की आवश्यकता है, मुझे अपना पुत्र ही बना ले। तो युवा यानी संस्कार, युवा यानी विचार, युवा यानी आदर्श, आज की युवाओं में झलकना चाहिए। हालांकि जब मैंने विवेकानंद जी की बात कही तो एक चीज आती है कि आपको आज के दौर में कहा जाता है, विशेषकर राजनीति से जोड़कर, कि आपको WWW से सावधान रहना होगा, नहीं तो बाकी जो विपक्ष के लोग हैं आपको गुमराह करेंगे, आपको उनके माध्यम से साधने का काम करेंगे। हालांकि उस डब्ल्यू में एक वॉमेन शब्द आता है, इसलिए मैं माफी मांग लूंगा तमाम बहनों से, तमाम माताओं से मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन ये कहा जाता है उस WWW को क्या कहते हैं, वेल्थ। जितने नौजवान आए हैं भैया, सबसे पहले जो विपक्ष के लोग हैं आपको मोटी रकम देंगे, कि अरे टाइगर में की दर, ये हो भी चुका है कई जगह आता है कि आपका टाइगर क्या देगा, क्या कर लेगा। सबसे पहला प्रलोभन आपका वेल्थ का आएगा, सावधान रहिएगा। WWW के फॉर्मूले का W से होता है वेल्थ, वाइन, दारू मिलाएंगे, क्योंकि युवा होते हैं, मदहोश होते हैं, थोड़ा सा होश में कभी कभी आउट ऑफ होश हो जाते हैं, तो आपको वहां पर वाइन का सहारा लेंगे और अंत में एक स्त्री को हथियार के रूप में लाएंगे, वोमेन का सहारा लेंगे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, चूंकि युवाओं का सम्मेलन है और आप प्रेम से नहीं बच सकते, उन पर मुझे लगता है खुल के बात होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड में पीर पैगंबर महात्मा संत कोई भी अवतार ले और कहे प्रेम नहीं करना, ये नहीं होगा। प्रेम कुछ भी करते होंगे, प्रेम आकाश से भी करते होंगे, प्रेम अभिजीत भी करते होंगे, प्रेम अभिलाष भी करते होंगे, हो सकता है करते होंगे, मैं आशंका जता रहा हूं। और ये दुनिया में कोई नहीं है, धरती में कोई पैगंबर, कोई अल्लाह खुदा भगवान आए और कहे प्रेम नहीं करना है, लोग बंद कर देंगे, ये संभव ही नहीं है। लेकिन मेरा कहना है, आपका प्रेम मर्यादित हो, आपका प्रेम संयमित हो, आपका प्रेम श्रेष्ठ हो, आपका प्रेम अनुशासित हो। आपका प्रेम अगर मर्यादा को लांघेगा, आपका प्रेम अगर शिष्टाचार को लांघेगा, तो नुकसान आपको भी होगा, आपके नेता को भी होगा, और ये लाखों करोड़ों जो जनता है उनकी उम्मीदों को नुकसान होगा। युवा है, युवाओं का सम्मेलन है, मैं उन विषय पर चर्चा कर रहा हूं जिन विषय पर लोग चर्चा करने से फंसते। आप प्रेम करें, आपको आजादी। किसी दो शख्स ने प्रेम किया है तभी ये तीसरा शख्स आप सभी आए हैं, अगर उन दोनों के बीच प्रेम नहीं होता तो आप आते ही नहीं धरती में। इसलिए मैंने जितने युवा मोर्चा के इंक्लूडिंग केंद्र अध्यक्ष महोदय और जितने भी हमारे युवा मोर्चा के साथीगण है, प्रेम से किसी का पति नहीं है, लेकिन याद रखिएगा उस WWW के फॉर्मूले को, जब वो कहीं नहीं सकेंगे, वे लगातार देख रहे हैं कि धर्म मातो इनको कुछ भी बोलो ये सुनने वाला नहीं है, ये हाथी समत वाला है, और टारगेट करेंगे युवाओं आपको, वेल्थ के माध्यम से साथ देंगे आपको, वाइन के माध्यम से साथ देंगे आपको, एक वोमेन को आगे करके साथ देंगे आपको। ये मैं आज आपको अभी बताना चाहूंगा, चूंकि लोकसभा से ज्यादा चुनौती रहेगा विधानसभा का चुनाव, चूंकि लोकसभा के चुनाव में आप झारखंड की आवाज बन के जा रहे थे, इस बार आप सरकार बनने जा रहे हैं, उससे कई ज्यादा गुना चुनौती रहेगा। युवा यानी पराक्रम होता है, जब युवा का चित्र हमारे जहन में आता है तो भगत सिंह याद आते हैं, जब युवा का चित्र हमारे जहन में आता है तो अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद याद आते हैं, बिरसा भगवान, शहीद निर्मल महतो याद आते हैं। युवा यानी पराक्रम,
युवा यानी शौर्य। इसलिए आज तमाम युवाओं को मेरा संदेश होगा, लेकिन अंततः उस शौर्यता में, उस पराक्रम में आपको अनुशासन के दलहीदों को लावना नहीं होगा। जब बचपन में थे तो हमारे गुरुजी एक बड़ी अच्छी बात कहा करते कि जो युवा होता है ना, युवा एक नदी की धारा की तरह होता है। कौन सी नदी की धारा? जिस नदी को हम लोग अभी देखेंगे, जब उसमें बाढ़ आएगी, वो बाढ़ तोड़ते हुए, लांघते हुए, मर्यादा को पार करते हुए आगे बढ़ेगी। वही युवा होते हैं, वही युवा होते हैं, युवा नदी की धारा होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर उसी नदी की धारा में अगर हम लोग डैम बना देते हैं, तो डैम का पानी बंजर धरती तक जाता है, वहां हरियाली लेके आता है। तो इस कथन के कहने का मतलब है, डैम का मतलब है अनुशासन से। अगर युवा अपने ऊपर डैम बनने के लिए मंजूरी दे दे, अगर युवा अनुशासन को स्वीकार कर ले, तो युवा नो डाउट बदलाव लेकर आएंगे, और बदलाव लेकर जो भी आए हैं वो युवा ही रहे। आज बिल्कुल सहज समय स्वीकारना होगा कि आज अगर आपके केंद्र अध्यक्ष ने, अगर गिरिडीह में, गिरिडीह नहीं, मैं आपको भारत की हिस्ट्री से परिचय करवाता हूँ, 1952 से आज तक फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट इलेक्शन, बिना इलेक्शन लड़े, बिना सदन संसाधन के 27.5% वोट किसी ने नहीं लाया। इस लोकसभा के चुनाव में 8,000 प्रत्याशियों ने भाग लिया, पूरे भारत देश में 543 लोकसभा की सीटों में 8,000 प्रत्याशियों ने भाग लिया। आपको गर्व करना चाहिए कि कोई सांसद नहीं, मुखिया नहीं, वार्ड नहीं, जिसने कभी चुनाव लड़ा ही नहीं, वो शख्स फर्स्ट अटेम्प्ट में 3.5 लाख वोट लेकर आया। ये हिस्ट्री है इस बार की। बिल्कुल इसमें सबका, अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद है, अगर अनुभवी लोगों का सलाह है, तो युवाओं का भी त्याग है। अगर मैंने 3.5 लाख वोट लाया, तो बिल्कुल आज तमाम मीडिया के सामने हौस आवाज में कहता हूँ, इसमें युवा मोर्चा की बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। लेकिन हाँ, 1 लाख वोट पीछे रह गए, उसमें भी युवा मोर्चा की जिम्मेवारी। 1 लाख वोट जो हम पीछे रह गए, उसमें भी युवा दोषी है। क्यों दोषी है? चुनाव जीते नहीं, डीजे बुक कर लिए, चुनाव जीते नहीं है, पटाखा बुक कर लिया आप। मैंने पहले कहा, युवा उत्साही अति उत्साही नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनडिसिप्लिन बिहेवियर को, मैनर को अपने ऊपर ढालने का काम किया। नो डाउट 3.5 लाख जो वोट आए, उनमें संघर्ष में युवा कहीं पीछे नहीं हटा। लेकिन अब थोड़ा सा अगर अपने आप को मेंटेन कर लेते, अपने उत्साह से थोड़ा अपने आप को नियंत्रण कर लेते, तो शायद हम लोग उस 1 लाख वोट को भी ले आते हैं, और आपके बीच शायद संसद जरा महत्व भी होता। ज्यादा कुछ नहीं करना था, 14 प्रखंड है हमारे पास, लगभग 4 नगर निगम के क्षेत्र है, यानी 20 क्षेत्र हमारे पास है। अगर एक एक एरिया में हम 5,000 वोट का टारगेट लेते, ज्यादा नहीं 5,000, तो हम लोग 1 लाख को क्रॉस कर जाते। तो इसलिए थोड़ी सी कमियां रही, और देखिए जो लोग अपनी कमियों को स्वीकारते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कमियों को स्वीकारना चाहिए, कमियों पर चर्चा करना चाहिए, कमियों पर चिंतन मंथन करना चाहिए, तभी जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के सभागार से तमाम युवा मोर्चा के सभी साथियों को एक संदेश देना यही चाहेंगे कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी। आपके कंधों पर जिम्मेवारी इसलिए होगी क्योंकि हमारा संगठन नया है, हमारा संगठन नवोदित है, अभी यही अंगड़ाइयां ले रहा है। हमारे पास साधन संसाधन की कमी है, लेकिन हमारे पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, और ऊर्जा यानी युवा। तो आप हमारे संगठन की ऊर्जा है, इसलिए इस विषय को आपको समझना होगा, इस विषय को आपको गहन चिंतन मंथन में लाना होगा कि आप हमारे संगठन की रीढ़ है, और आप विधानसभा के चुनाव में एक्स फैक्टर हैं। इसलिए आज से ही आपको लग जाना है, और एक बात स्पष्ट कहेंगे कि आज चुनाव को जीतना है या किसी भी मैदान को जीतना है, तो 3D का फॉर्मूला होना चाहिए। पहला D यानी डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन को हिंदी में बोलते हैं इरादा। इरादा का मतलब है कि हम किसी चीज को ठानते हैं पहले। जैसे आज हमारा यह कार्यक्रम था, हमने सुबह ठाना, हमने निश्चय किया, इरादा अपने आप में किया कि हमें उस कार्यक्रम तक जाना है, उस कार्यक्रम तक जाना है, ये हमारा इरादा था। दूसरा D से होता है डेडिकेशन।
डेडिकेशन यानी समर्पण आप इस कार्यक्रम में भींगते हुए आए, बकायदा आम भी भींगते हुए आए, तो जर आके यहाँ बगल में बदले, टी शर्ट भी यहाँ के बदले, ये हमारा समर्पण है। इरादा भी था, डिटर्मिनेशन था, डेडिकेशन भी था, समर्पण भी था, लेकिन थोड़ा सा हम लोग कभी कभी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते, जो कि इम्पोर्टेंट है। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, जब ये तीनों चीजें हमारे यूथ मेंटेन करेंगे, हमारे संगठन के साथ ही मेंटेन करेंगे, विधानसभा के चुनाव में बहुत ही पॉजिटिव और बेहतर रिजल्ट हमारे पक्ष में। और आज आपको ये करना होगा, लाखों सताए हुए लोग आपसे उम्मीद की निगाह से आपको देख रहे हैं, आज आपको ये करना होगा, आपको त्याग करना होगा, आज आपको समर्पित भाव से अपनी मिट्टी के प्रति सच्ची श्रद्धा से आपको लगाना होगा और इस चुनाव के मोड में अपने आप को केंद्रित करना होगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, हमें आशा है आप उस प्रलोभन में कहीं उनके सामने झुकेंगे नहीं, आप अपने दल के अपनी आइडियोलॉजी को लेकर आप भारत भर तक जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको चीजों से बचना होगा, आपको चीजों से इसलिए बचना होगा कि क्योंकि आप युवा हैं, उत्साही हैं, उस उत्साह में आपको थोड़ा सा अनुशासन की परख होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हमारे आदरणीय छोटे भाई विष्णु विद्रोही जी आए हैं, कोल्हान से हमारी यात्रा थी, रात 2 बजे थोड़ा हो गई बड़े भाई छोटे भाई में, आज जो जो हमारी बातचीत हुई थी एकदम सैम इन लोग खुद तो नहीं लिखा, हमारे विपक्षी दलों से लिखवा दिया। ठीक है आप नहीं होंगे, लेकिन उस 8 लोगों की टीम में आप भी थे, हमारी और आपकी नाराजगी होगी, स्वाभाविक है कि कोई भी संगठन एक परिवार होता है, कुछ से भी हमारा बहुत मनमुटाव होता है, हमसे भी होता है, मोतीलाल जी से भी होता है, लेकिन आप अगर अपनी जानकारियों को अपनी इन्फॉर्मेशन को अगर शत्रु तक पहुंचा देते हैं ये बड़ा दुर्भाग्य है। जी मात्र 8 लड़के थे, आप रात 2 बजे आपसे मुलाकात होती है और आपसे जो हमारी बात होती है हूबहू एक एक लाइन विपक्षी लोग सोशल मीडिया में लिखते हुए दिखते हैं। इसीलिए मैंने कहा युवा अगर पॉजिटिव हो जाए तो आशावादी है और नेगेटिव हो जाए तो अनर्थ करता है। इसलिए आज आपको इन विषय को सोचना होगा, क्योंकि आज हमारे संगठन से लाखों लोगों की आशाएं हैं। आज देखिए वो हाथ टूटे लेकिन फिर भी यहां तक चल के आए हैं। ऐसे लोग अगर ऐसे लोगों की उम्मीद टूट जाएगी तो फिर हमें जो मैंने अभिशाप लगेगा उसका शायद कहीं मुक्ति नहीं मिले। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, सफलता जनता के हाथों में है, लेकिन हम अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर, हम अपने टिकट बंटवारे को लेकर, हम नेता बनने की प्रतिस्पर्धा में अगर इन लोगों की उम्मीदों को खो देते हैं तो हमारे लिए दुर्भाग्य होगा। और एक बात आपको स्पष्ट कहेंगे, आप किसी भी संगठन में रहे अगर किसी को मानने वाले रहे कम से कम उनसे आपको सीखना चाहिए। ठीक है नो डाउट हम लोगों में कुछ खूबियां हैं तो कुछ खामियां हैं, ऐसा नहीं है, अगर खामियां नहीं होती तो इस धरती में हम क्या कर रहे होते, होता कहीं अलौकिक दुनिया में होते हम, खामियां हैं हमें, खूबियां भी हैं, तो जो खूबियां हैं उनको आपको ग्रहण करना होगा, सीखना होगा। चाहे जो रहे अगर कुश महतो अगर युवा मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष है तो उनके संगठन के जितने भी लोग जुड़े हैं उनसे उनकी कोई ना कोई एक क्वालिटी होनी चाहिए कि उनका संगठन का हर एक लड़का उसको फॉलो करे, उसको माने। आज मैं आपको परिचय देना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक करोड़ों रुपए का हमें ऑफर आता है, लेकिन बार बार हमें ऐसे लोग दिखाई देते, हमें वो माया दिखाई देती है जो चद्दर फैलाकर हम लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करती है, हमें वो छोटी छोटी बहनें दिखाई देती हैं जो अपने स्कूल के लिए टिफिन के टाइम जो खर्च दिया जाता है उसे चुकरी में गुल्लक में भर के हम तक पहुंचाती है। केवल लोकसभा चुनाव में हमें बैठने के लिए 25 करोड़ का ऑफर था, ये बोल के ऊपर था कि आप अभी युवा हैं, आप तो फ्यूचर में सांसद बनेंगे, एक बार नहीं 2-3 बार आप बनेंगे, आप अच्छे से रहेंगे, लेकिन हमने हमेशा त्याग किया। आज 29 साल का हम युवा है, जब युवा का जिक्र आता है तो सबसे पहले अपने शरीर पे वो ध्यान देता है, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देता है, अपने सुंदरता पे ध्यान देता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि राज की चिंता में हमने अपनी जवानी को भी खपा दिया, हमने अपनी जवानी को खपा दिया। लोग कोई पैसा अपने राज्य के लिए लुटाता है, कोई जीवन लुटाता है, हम लोग भी अपना जवानी को लुटा दिए। अब आप कहेंगे कैसे, 2 साल पहले मेरा कोई बीमारी नहीं था, आज मेरे आंखों का रिपोर्ट आया रेड कलर का,
उसमें डॉक्टर की सख्त हिदायत है कि अगर और दो तीन महीना हमारी बातों को नहीं मानते ठीक से, अगर आप नींद नहीं लेते हैं तो आपकी आंखों पर डैमेज होने से कोई नहीं बचाएगा। हम लोग लोकसभा के चुनाव में इतने व्यस्त रहे कि बताइए, हम लोग मुंह धोने तक का समय नहीं है। डॉक्टर से डेंटिस्ट से मिले, उन्होंने कहा दो दांतों को उखाड़ना होगा। हम लोग अपनी जवानी को निछावर करते हैं और बाकी बीमारियां गिनाएंगे तो शाम हो जाएगी। कुछ नहीं था दो साल पहले, हमें कुछ नहीं था दो साल पहले, हमारे पास एक भी बीमारी नहीं था। आज अपने जीवन को हम लोग दांव पे लगा दिए, इसलिए आपसे हम अपेक्षा करते हैं। अगर आप हमारे संगठन में हैं तो आपसे हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप आपसी मनमुटाव, आपसी प्रतिस्पर्धा और आपसी जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनका समझौता कीजिए, क्योंकि यह लड़ाई विधायक सांसद बनने की नहीं है, ये लड़ाई सत्ता के शीर्ष पर आने की भी नहीं है, ये लड़ाई व्यवस्था बदलाव की। और हम व्यवस्था उनके लिए बदलना चाहते हैं जो आज कई दशकों से, कई सालों से लगातार सताए जा रहे हैं। हम उनका हौसला बढ़ने के लिए आए हैं, हम उनकी ताकत बढ़ने के लिए आए हैं, हम उनकी मजबूती बढ़ने के लिए आए हैं। आज वे टक टक की निगाहों से हमारी ओर देख रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, आपने लोकसभा का चुनाव हारा नहीं है। अगर आप अपने लिए बात करते हैं, बस संवैधानिक दृष्टिकोण से छोड़ दिया जाए, और अपने लिए अगर बात नहीं करते तो आप जीते हैं। इसीलिए जीते हैं कि आज मैं सुबह की बात कर रहा हूं, आज मैं सुबह की बात कर रहा हूं, लगभग 17 लोग हमारे पास अपनी समस्या को लेकर आए थे, हमने केवल टेलीफोन से 7 समस्याओं का समाधान किया। ये हार नहीं है, ये हार नहीं है। आज हम 1 लाख डाक के बारे में सुने कि उन्होंने किसी पदाधिकारी को अपना परिचय दिया, पहले उन्होंने कहा 1 लाख अंसारी, बोले कौन 1 लाख अंसारी, तो कहा जरा महतो की टीम से धनबाद लोकसभा से 80,000 वोट तीसरा नंबर लाने वाले 1 लाख अंसारी। तो बोला बोलिए 1 लाख जी क्या बात है, तुरंत उनके स्वर बदल गया, बिल्कुल इसमें कोई शर्म नहीं। अगर 1 लाख अंसारी ने अपना परिचय दिया 80,000 वोट लाने वाला, तो कोई शर्म नहीं है, परिचय को जनता ने दिया। हमने अपने नाम के राजा थोड़ी बोला है, महाराजा चक्रवर्ती लगा के थोड़ी परिचय दिए हैं कि सुल्तान 1 लाख अंसारी, सहनशाह शहनवाज अकबर, राजा मोतीलाल महतो, सम्राट कुश महतो, हमने ये परिचय तो नहीं दिया है, बिल्कुल तगड़ा परिचय दिया है। चूंकि ये परिचय जनता का परिचय है, ये परिचय आपको जनता ने दिया है। तो हमको तो लगता है जो लोग जीत के गए हैं उनसे बेहतर हम लोग मुद्दों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उनसे बेहतर हम लोग लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं, तो ये हार कैसे है? अगर हम अपने लिए सोच रहे तो ये हार है कि हमें संसद नहीं बन पाए, हमारी 3 लाख की सैलरी होती वो नहीं मिल पाई, आगे पीछे 4-4 गाड़ियां होती वो नहीं मिल पाई, 8 पुलिस बॉडीगार्ड होते वो नहीं मिल पाया। अगर हम अपने नजर से देख रहे हैं तो शायद हार है, लेकिन अगर आप जनता की नजर से देख रहे हैं तो हम लोग आज भी जीते। ये हमारी जीत है, क्योंकि ये परिचय हमें जनता ने दिया। हम भी कभी कभी बोलते हैं, जब बहुत सारे जीएम वगैरह को फोन लगाते हैं दूर वाले, तो बोलते हैं सर समस्या है, बोला कौन, हम बोले जयराम कुमार महतो, परिचित है, बोला नहीं, हम बोले ठीक है सर, आपको 5 मिनट का समय देते हैं, इंटरनेट गूगल है देख लीजिए, उसके बाद फोन करेंगे, बटन याद आ गया, बोलिए बोलिए। तो ये हमारी जीत, अब इस जीत को विधानसभा तक लेके कैसे जाना, लोग एक भरोसा लगाए। आज हमारे युवा मोर्चा के